दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन है। इसकी अंतिम तारीख 14 अप्रैल है। इस बीच लोग इस बात की चर्चा करने में लगे हैं कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के इस सवाल पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे, ऐसे में चरणबद्ध तरीके से इसे खोले जाने की योजना बनाएं। योगी ने अपने सरकारी आवास पर टीम 11 की बैठक में कहा, 15 अप्रैल से यदि लॉकडाउन खुलता है तो चरणबद्ध तरीके से इससे निपटने की योजना बनाएं, क्योंकि ऐसे में जो जहां फंसा होगा वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे, इसकी कार्य योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें दो स्तर पर तैयारी करनी होगी, मौजूदा हालात और भविष्य के मद्देनज़र रणनीति तैयार करें। हर जिले में कम्युनिटी किचन चलाएं, इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं सहित अन्य जो लोग भी मदद देना चाहें उनकी मदद लें। हर कोई भोजन बांटने बिल्कुल न निकले, इसके लिए कुछ कलेक्शन सेंटर बनाएं, वहां भोजन एकत्र हो और बांटने के लिए जाए। भविष्य की तैयारियों के मद्देनज़र NSS, NCC, स्काउट्स और युवक मंगल दल में से वॉलंटियर तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण के दौरान एनेस्थेसिया फिजिशियन, बच्चों और महिलाओं के चिकित्सक की सर्वाधिक ज़रूरत होती है। निजी क्षेत्र में संबंधित विशेषज्ञता के कितने डॉक्टर्स हैं उनकी सूची तैयार करें, उनको प्रशिक्षण दें ताकि ज़रूरत पर इनकी मदद ली जा सके। सरकार 1,000 करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड तैयार करेगी। इस फंड से टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ इलाज में जरूरी और उपकरणों मसलन वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर, PPI यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स आदि की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग यह सुनिश्चित कराए कि जरूरी सामानों का उत्पादन प्रदेश में ही हो, इससे वे सस्ते तो होंगे ही, उनकी उपलब्धता भी बढ़ेगी। खादी के कपड़ों से ऐसा मास्क तैयार कराएं जिसका दोबारा उपयोग किया जा सके। इसके लिए महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लें, ऐसा करने से खादी का प्रचार भी होगा, स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा, लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों को सख्त संदेश दें। इंदौर जैसी घटना उत्तर प्रदेश में कहीं भी कतई नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें। जो भी लोग सरकार से असहयोग करें उनको थोड़ी थोड़ी संख्या में अलग अलग कड़ी में निगरानी में जरूर रखें।